हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह और मैं हूँ छत पे इसलिए आया हूँ कि आज मुझे प्रैंक करना है सबके साथ, शायांश, रियांश, विशाल और हन्नी के साथ। तो उसके लिए हमें एक बुक की जरूरत है, जो बुक करंट मारती है ना वो वाली बुक लेके आएंगे। इसलिए मैं छत पे आया हूँ ताकि उन्हें पता ना लगे और प्रैंक बढ़िया से हो पाए। तो गाइज अभी जल्दी से चलते हैं बाजार, बस वो बुक मिल जाए यार, मजा आ जाएगा। आज ऐसा प्रैंक कर दूंगा ना किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस अभी हमारे टॉयज की दुकान पे, यहाँ पता करते हैं इनके पास है वो किताब या नहीं। तो अभी मैं आऊँ दूसरी खिलौने की दुकान पे। तो गाइस वो बुक तो इस दुकान पे भी नहीं मिली है, अब एक दुकान बचती है, बस वहाँ मिलगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो फाइनली लगभग 25 दुकानें ढूंढने के बाद हमें मिल चुकी है इलेक्ट्रिक करंट वाली चीजें। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर और छुप छुप के ऊपर ले आया हूँ मैं सामान सारा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ आज, तो भाई मस्त प्रैंक होने वाला है। तो गाइस देखो मैं क्या क्या लेके आया हूँ, करंट वाली माचिस, करंट वाला पेन और करंट वाली च्युइंगम। च्युइंगम दे के शायंश को पागल बनाएंगे क्योंकि वो टॉफी ज्यादा पसंद करता है। मस्त मजा आने वाला भाई, अब खेला हो बे। पहले इस च्युइंगम को खोल लेते हैं और फिर शायंश को देंगे कि तेरे लिए च्युइंगम लेके आए हैं। ऐसी शक्ल हो जाएगी उसकी जैसी इस लड़की की हो रही है ना। तो गाइस अभी इसे खोल लिया है, दो चीजों को यहाँ छुपा के रख देते हैं क्योंकि और बंदों के साथ भी प्रैंक करना है ना। तो गाइस ये च्युइंगम तो खराब निकली है, ये माचिस लेके आया हूँ मस्त। अब लेके चलते हैं शायंश के पास, ये चेक कर लिए इस पे सही करंट आ रहा है और उसे बोलूंगा उसके लिए ना मस्त माचिस बम लेके आया हूँ मैं आज। तो गाइस देखो अभी शायंश आ चुका है और आज इसके लिए एक मस्त गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। मेरे हाथ में कुछ है मगर मैं दिखाऊंगा नहीं इसे शायंश को। गैस करके बता इसमें क्या हो सकता है। जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो लेके आऊ तेरे लिए, जो दिवाली पे जलाते हैं। दिवाली पर और का जलाया था, अरे जिसे तू जला जला के फेंकता था। देखो भाई जिसे पता ही नहीं है क्या फेंकता था, ये सबसे ज्यादा चलाता था ये उसे माचिस बम। बहुत ही मुश्किल से मिले हैं हमें माचिस बम। माचिस बम है ऐसे, माचिस बम। ओ बेस की हाँ, करंट लग गया, करंट लग गया। ये प्रैंक है, प्रैंक। अभी हन्नी के साथ प्रैंक करते हैं। झटका खाता है ये, बहुत ही खतरनाक माचिस बम लेके आया शायंश, महंगे वाले बम है शायंश, ढंग से जलाइए। हो हन्नी जला सकता है इसे और कोई नहीं जला सकता। है? बहुत जोर करंट लगा, आंसू निकल गए। तो गाइस दो बंदों के साथ सक्सेसफुली प्रैंक हो चुका है, अभी विशाल को और बुलाते हैं और रियांश को बुलाते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। बाकी गाइस शायंश की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी ना, हन्नी को तो पता ही नहीं लगने दिया एक सेकंड भी कि ये करंट वाली माचिस भी हो सकती है। लेके आया हूँ भाई, ढूंढ के पूरे बाजार में से ढूंढ के लाया हूँ। रियांश को बुला, यूं कह आजा माचिस बम जलाएं, मैं माचिस बम लेके आया हूँ। क्या करेगा चार काम, तो गाइस अभी शायंस को दिखाते हैं मैं क्या क्या लेके आया था। ये देख पेन, करंट वाला, करंट वाली च्युइंगम। तो गाइस अभी होगा विशाल के साथ प्रैंक, विशाल को पता भी नहीं लगने देंगे क्या चीज है ये। छुपा रहा हूँ कि उसका शक्ल नहीं होना चाहिए, ऐसा करंट लगेगा कि वो बचा के पड़ेगा। आ गया भैया, आ गया हमारा जादू, आ गया तो जेल में फंसेगा, जेल में। तो गाइस विशाल से पहले रियांश ही आ गया, अब रियांश के साथ करना पड़ेगा पहले। जला देगा तू ये वाले बीडी बम, ये थोड़े मोटे हैं बीडी बम, ढंग से जलाने ठीक है। इसमें बम है, अब जला। आज तो मस्त माचिस बम ले गए हम विशाल भाई साहब, ऐसा माचिस बम है ना तूने कभी सोची ना होगी। अबे इसके अंदर से सांप भी निकल सकता है, करंट मारेगा, कुछ भी नहीं मारेगा, हम कह रहे हैं कुछ नहीं मारेगा। एक निकाल। सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पर ही करेगा। तो गाइस दो आइटम सही निकले और एक ये खराब निकली है। रियांश पेन चला देगा, अब की बार तेज लगा है। यार रियांश डर रहा है, देखो इसको जबरदस्ती लगाओ करंट। एक बार लगा ले। तो गाइस मस्त मजा आ गया इस करंट वाली ट्रिक में, तो 60 रुपए की एक लेके आया था मैं, ये मस्त चीज है भाई। हाँ भाई कैसा मजा आया, किसमें ज्यादा करंट है,
तो गाइस इससे करंट लग के ना कुछ ऐसा हाल हो जाता बच्चों को। रियांश को कैसा लगा करंट? मस्त लगा उसको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे और लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए। अबे नई गाड़ी लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नई नहीं तो किसी की पुरानी गाड़ी ले लो। यार पुरानी गाड़ी ले तो ले, मगर श्योरिटी क्या है कि बढ़िया मिलेगी। भाई आपने कार 24 के बारे में नहीं सुना क्या? उसमें आपके पास गाड़ियों के हजारों ऑप्शन है, उसमें हर गाड़ी 140 पॉइंट में चेक होती है उनके मैका रिफर्बिशमेंट लैब में। और अगर चेकिंग के दौरान इन गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो कंपनी खुद पैसे लगा के उसको ठीक करती है ताकि कस्टमर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इन गाड़ियों को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, 360 व्यू में चेक कर सकते हैं, घर पे मंगा सकते हैं, और अगर खरीदने के बाद आपको कोई गाड़ी में प्रॉब्लम मिले तो 7 डेज में इसे रिटर्न कर सकते हैं। भाई ये तो मस्त बात बताई यार तूने। और हाँ, जो भी गाड़ी आप लोगे उसमें आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी, और फ्यूचर में कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो कार 24 उसे खुद सॉल्व करेगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कार चेक करो। और हाँ, आज ही ट्रांसफर की प्रॉब्लम भी कार 24 हैंडल करेगी। तो गाइस अभी हमारा दोस्त आ चुका है, देखो इसे मस्त माचिस बम दिखाएंगे हम आज। बहुत मस्त वाले हैं। ये मस्त डरा। तो गाइस अभी डॉगी के साथ प्रैंक करते हैं हम। मैडम जी एक बार इसे खोल के दिखाना माचिस को। अरे खोल दो। प्यारी समझ गई भागी। तो गाइस अभी हमारे सर आ गए हैं, बहुत ही मस्त पेन है, बल्ब चला के देखो हाथ पे।